जैसा करवे देखिए पूरा भी है हम लोग विरोध करेंगे, हल्ला नहीं करना है। अरे हम लोगों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आपको बता दें कि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग स्टेडियम में शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से शिक्षक धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। हालांकि हम आपको बता दें कि स्टेडियम के बाहर ताले लगा दिए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद शिक्षकों ने जिस तरह से आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने एक अल्टीमेटम दिया था, उस अल्टीमेटम में ये कहा गया था कि जितने भी तमाम शिक्षक हैं आज उनका 5 सितंबर के दिन स्कूलों में रहना अनिवार्य है और अगर वो नहीं रहते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इस अल्टीमेटम को मानने के तमाम शिक्षकों ने इसका बहिष्कार किया है और वो लोग सीधे तौर पर आपको बता दें कि गर्दनीबाग स्टेडियम के बाहर आपको बता दें कि सड़क पर वो लोग धरना प्रदर्शन पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में किस तरह से तमाम शिक्षक जो है वो एक साथ लगातार नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ आज एक विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि सरकार ने जो निर्देश दिए थे उसको तोड़ते हुए एक पत्र भी जारी किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि डीईओ डीपीओ और बीईओ को अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने के ये निर्देश दिए गए थे, लेकिन समान काम के बदले समान वेतन को लेकर के काफी दिनों से ये बातें खबर में आ रही थी कि जितने भी तमाम शिक्षक हैं वो लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का बहिष्कार करेंगे और उन्होंने आज बहिष्कार करते हुए गर्दनीबाग स्टेडियम के बाहर धरना स्थल पर वो लोग वहां पहुंच चुके हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि आज जिस तरह से 2 दिन से ये खबरें आ रही थी उसको देखते हुए सरकार ने धरना प्रदर्शन के बाहर धरना प्रदर्शन स्थल के बाहर उन्होंने ताले लगा दिए हैं और उसके बावजूद तमाम शिक्षक जो हैं वो लोग सड़क पे उतर आए हैं और सड़कों पर वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की वहां पे काफी ज्यादा तैनाती की गई है, वहां पर एक साथ खड़े हुए तमाम लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन को लेकर के अभी तक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जिस तरह से उनकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा, उसको बहिष्कार करने के बाद जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बहिष्कार किया और आपको हम बता दें कि शिक्षकों का जो गुस्सा है वो लगातार जारी है और वो लोग एक बार फिर धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों एक बार फिर कैसे हम तमाम आपको खबरें जो है वहां शिक्षक दिवस की हम दिखाते जा रहे हैं, किस तरह से जितने भी तमाम शिक्षक हैं वो धरना स्थल के बाहर मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे न्यूज 11। नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।